समाचार, यह है शुभजिता समाचार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिथाली राज की बायोपिक शाबाश मिठू सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। हाल ही में मिथाली इस फिल्म में अपनी भूमिका निभा रही तापसी पन्नू के साथ महानगर पहुंची। तापसी और मिथाली दोनों ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। मिथाली ने तापसी के काम की सराहना की और फिल्म के निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने फिल्म से जुड़े अनुभव मीडिया के साथ साझा किए। ईडन गार्डन में आयोजित इस मीडिया वार्ता में मिथाली और तापसी ने बल्ले और गेंदबाजी की झलक भी दिखाई। मिथाली ने कहा कि ईडन गार्डन क्रिकेट का घर है और यहां आना उनके लिए सम्मान की बात है। वहीं तापसी ने कहा कि उन्होंने बहुत से मैच देखे हैं, मगर उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि वे इस मैदान यानी ईडन गार्डन में क्रिकेट के लिए खड़ी होंगी। इस मैदान का इतिहास और खेल की दुनिया में इसका महत्व जानना एक अलग अनुभव है। वाया 18 द्वारा निर्मित यह फिल्म काफ़ी सराही जा रही है और महिला क्रिकेट के साथ ही मिथाली राज के जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को भी दर्शकों के सामने ला रही है।